संसद बंधुओं, लीना ताई जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वह अपना ऑडियो वीडियो कृपया चालू करें और मैं संसदों के नाम लेता हूं और वे संसद पूछेंगे। आनंद जी तेलंग उपस्थित है हमारे यहाँ। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ नमस्कार, मी मराठीत विचारतो आहे प्रश्न। माझा प्रश्न असा आहे की वैदिक संस्कृतीचा जो मागच्या कालच्या व्याख्यानात उल्लेख झाला, सर्व समावेशक किंवा अंतिम घटकाच्या विकासापर्यंत पोचणारी असं आपण म्हणूयात, असं असताना त्याच्या मोठ्या प्रमाणात जे अंतर्गत पतनं झाली, म्हणजे बाहेरून आक्रमणाचे जे धर्म आले ते सोडून जैन किंवा बौद्ध हे प्रामुख्याने, कुठली मोठी कारणं घडली की ज्याच्यामुळे मोठं पतन झालं? आणि दुसरं त्याला लागून असते की जेव्हा म्हणजे पुढे शंकराचार्यांना याचं फार मोठं काम करावं लागलं या सगळ्या बाबतीत, हा एक, आणि त्याला महाभारतीय युद्ध किती प्रमाणात कारणीभूत? आपने प्रश्न ये पूछा है कि जो वैदिक धर्म जो चला आ रहा था उसमें कालांतर में कहीं कुछ ऐसी कमियां या दोष आ गए जिनके कारण, और खास करके महाभारत काल के बाद हम देखते हैं कि जैन या बुद्ध परंपरा, जो बौद्ध परंपरा हमारे देश में आई, और वे विचार जो फैले या वे विचार जो जनता को स्वीकार्य हुए, उसका कारण ही ये रहा होगा कहीं ना कहीं वैदिक धर्म जो बताया गया उसमें कोई कमियां आ गई थी। तो इन कमियों का क्या कारण है? तो एक तो ये तुरंत इस बात से मुझे गीता का वह वचन याद आ गया जहाँ कृष्ण कहते हैं कि सकाले ने हमता योगो नष्टा परंतप एवायम मया तेज्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। तो कृष्ण खुद ये कह रहे हैं कि यह जो योग या यह जो धर्म की बात, यह जो ज्ञान की बात जो विवस्वान ने मनु को बताई, मनु ने इक्ष्वाकु को बताई, इक्ष्वाकु से चल करके वो आगे समाज के अगली पीढ़ियों तक पहुंची, वह काल के प्रभाव में कहीं ना कहीं विनष्ट हो गई और आज मैं वह बात तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ। तो जो आप बात कर रहे हैं कमियों की या दोषों की, ये मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक चक्राकार गति से ये बातें होती रहती हैं, और जितना हम इनको मिनिमाइज कर सकें उतना अच्छा होता है। देखिए कि जैन परंपरा अगर हम देखते हैं या बौद्ध परंपरा हम देखते हैं, तो आप देखेंगे कि इनमें कई चीजें जो हमारे जिससे हम वैदिक धर्म की बातें करते हैं वो उन्हें मान्य है। कुछ की बात कैवल्य वो कहेंगे, अपार अपरिमित ज्ञान रुतंभरा प्रज्ञा, जो बात पतंजलि मुनि कहते हैं उसी रुतंभरा प्रज्ञा की बात बुद्ध भी करते हैं, उसी रुतंभरा प्रज्ञा की बात जैन महावीर जैन भी करते हैं। तो कई चीजें तो उन्हें भी स्वीकार्य है और कई चीजें जैसे आपने बताया कि जो दोष आ गए, और खास करके दोष आता है असमानता का, और उस असमानता को हम जब फैलने देते हैं, पनपने देते हैं, उसको बढ़ने देते हैं, उसको अंकुरित और पल्लवित होने देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो ये कह सके कि इस असमानता के विरुद्ध मैं खड़ा रहूंगा, और तुरंत उस व्यक्ति की बात में वजन आ जाता है, जैसा कि महावीर या बुद्ध के साथ भी हुआ। लेकिन इससे एक छोटी सी अलग बात भी मैं आपको कहना चाहती हूँ, जो मुझे एक ऐसे व्यक्ति ने बताई जिन्होंने तंत्र शास्त्र जो है हमारे यहाँ इसकी बहुत अधिक अध्ययन किया है, तो उन्होंने ये कहा कि वैदिक धर्म को अगर आप लेती हैं तो वैदिक धर्म में जो वैदिक जिन्होंने ऋचाओं को देखा उन्हें हम या तो ऋषि कहते हैं, या हम अगर वो स्त्री हुई तो उन्हें ऋषिका कहते हैं। तो वैदिक धर्म के जो ऋषि हुए, अगर आप देखेंगे कि जन्मना उनका वर्ण क्या था, तो सारे के सारे जन्मना ब्राह्मण वर्ण के नहीं थे। इसी प्रकार अगर आप वैदिक ऋषिकाओं को देखती हैं तो वे सारी ऋषिकाएं स्त्रियां थी, लेकिन आगे चल करके
हम देखते हैं कि धर्मशास्त्र हो, स्मृतियां हो, उपनिषद हो, पुराण हो, तो यहाँ कहीं भी हमें स्त्री उद्गाता नहीं मिलेंगी जैसी कि वैदिक काल में ऋषिकाएं मिलती थी, या जो जन्मना अब्राह्मण है वे कहीं आपको यहाँ रचयिता के रूप में नहीं दिखते। तो जब ऐसा लगने लगा लोगों को कि ये सारे रचना का जो कार्य है, जो कि बड़ा एक महत्वपूर्ण कार्य है, वह कार्य केवल एक ब्राह्मण वर्ण के पास सीमित रह रहा है, तब हमारे देश में तंत्र परंपरा आई। और यह तंत्र परंपरा कश्मीर में है, तंत्र परंपरा आसाम में है, तंत्र परंपरा बीच के जितने हमारे भूभाग है वहाँ है, यह तंत्र परंपरा तिब्बत में है, तंत्र परंपरा चीन और जापान तक फैली थी, तंत्र परंपरा लंका तक थी, रावण को महातांत्रिक कहा जाता था। तो यह जो तंत्र परंपरा आई, इस तंत्र परंपरा ने सबसे पहली बात क्या कही, इसने कहा कि तंत्र का जो कर्म कांड है, इस कर्म कांड पर सबका अधिकार है, चाहे वो किसी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, और चाहे वह दिन में पूजा कर रहा हो या रात्रि में पूजा कर रहा हो। क्योंकि वैदिक काल के बाद, ये उनका कहना था कि वैदिक काल के बाद जब हम उपनिषद काल में आते हैं तो कहीं ना कहीं एक पूजा की विधियों में एक ये भी बात आ गई थी कि रात्रि पूजा जो है वह निषिद्ध हो गई थी। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार चढ़ाव उतार जो है वो किसी संस्कृति में आते रहेंगे, लेकिन जो मूल तहा जो ज्ञान है या योग है, उसका पुनरुज्जीवन करना वारंवार आवश्यक होता है।